अपने आप को सेपरेट करने के बाद हर क्रोमोसोम के पास जो है वो अपना सिस्टर दो सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के बाद उनके अपने अपने जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी मौजूद होते हैं। तो ये जितना भी काम है वो होता है प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिक नेटवर्क्स अपीयर होते हैं और वो क्रोमेटिक नेटवर्क्स यानी धागों का जो स्थान होता है वो अपने आप को सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, और क्रोमोसोम्स जो है उनके पास अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद अगला जो फेज होता है कैटाफेसिस का वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर मैंने सेल की डिवीजन दिखाई कि सेल किस तरीके से जो डिवाइड हो रहा होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो मेटाफेज स्टेज में पहुँच कर होता क्या है सेंट्रियोल्स नमूदार होते हैं, देन स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एनिमल्स के न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियोल्स जो है वो मौजूद होते हैं, टू सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल अपने आप को जो है अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। एक सेंट्रियोल मैंने यहाँ पर जो है वो लेबल किया हुआ है, वो ये सेंट्रियोल मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद एक सेंट्रियोल अपने आप को जो है एक पोल की तरफ ले जाता है और दूसरा जो है वो दूसरे पोल, यानी दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ अपने आप को अरेंज करते हैं। देन इसमें क्या होता है यहाँ से इन सेंट्रियोल से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं जो जैसे डायग्राम में जैसे आप शो है आपको, ठीक है। तो ये होता है इसमें मेटाफेज में, मेटाफेज में सेंट्रियोल्स डिवाइड होते हैं, सेंट्रियोल्स अपने आपको अपोजिट पोल्स में अरेंज करते हैं, फिर उसमें से जो है स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फेज है कैटाफेसिस की वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में वो अपने आप को अरेंज करना शुरू करते हैं स्पिंडल फाइबर्स में। आप देख रहे होंगे कि मैं आपने क्रोमोसोम्स बनाया हुआ है जो कि एक सेंट्रियोल जो है एक पोल पर दूसरा उससे पोल पर है, और इससे जो स्पिंडल फाइबर्स की तरफ है एक पोल वाला जो स्पिंडल फाइबर उसने एक को होल्ड किया हुआ है जबकि दूसरे वाले ने भी दूसरे क्रोमोसोम्स को जो है वो होल्ड किया। होता ये है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स को होल्ड करके अपनी जानब जो है वो पोल करते हैं, खींचते हैं। एक जो क्रोमोसोम है वो एक पोल की तरफ मूव करने लग जाता है जबकि दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है, यानी कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा उसको पुल करते हैं कि वो अलग अलग सिम्टम में जो है वो मूव करना शुरू कर देता है क्या क्रोमोसोम्स, ठीक है। पहला फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अरेंज करते हैं अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो टेलोफेज की है, और टेलोफेज एक ऐसा फेज है जिसमें बाकायदा जो सेल होता है सॉरी जो न्यूक्लियस होता है वो जो है डिवाइड हो जाता है, बाकायदा उसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाती है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पुल करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्रोमोसोम्स को। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है और हाफ क्रोमोसोम्स जो है वो एक पोल की तरफ और हाफ क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम्स एक सेल में जो एक तरफ और हाफ क्रोमोसोम है वो एक सेल में वो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं या अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। माइटोसिस बेसिकली जो डेफिनेशन है माइटोसिस की वो पहले आप नोट कर लें, आपको ये इसकी डिवीजन लास्ट में टेलोफेज स्टेप्स में कर देगा कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर सेल्स में, और बनने वाले जो डॉटर सेल होते हैं एक सेल ये और एक सेल ये एक सिंगल सेल जिसमें डिवीजन दिखाई जा रही है, ठीक है। पहले न्यूक्लियस उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म में जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल जो वन सेल जो डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल्स में। तो माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन को कहा जाता है जिसमें एक सेल जो है इन पेरेंट सेल जो